गाड़ी ले ले जो है ना, भाईजीपुरे का 5 नंबर गली, यहाँ पर बहुत बुरा हाल चल रहा है। और ये जो है तो चंबर की पाइपलाइन भी नहीं क्या बदलने जा रही है यहाँ की, और हमारे बच्चों को बहुत परेशानी है पैदल चलने की भी, और हमारे गाड़ियाँ खड़े करने के लिए। पूरे चंबर का पानी देखो आप तो पूरे घर में बास आ रही है, पूरे मच्छर, बच्चे बीमार हो रहे हैं घर में, और कोई यहाँ पर नहीं क्या कंप्लेन भी करे बात तो नहीं क्या, कोई एक्शन ले रहा नहीं। हमारे नहीं क्या बचती वो है कि भाई यहाँ पर आना सिर्फ और सिर्फ रोड बनाना और पाइपलाइन जो है तो चंबर की बात है। नंबर 60 से मैं आदिल शेख अपनी बात कर रहा हूँ कि महानगर पालिका वाले से हमारी गुजारिश है कि हर बारी को ये महीना दो महीने के अंदर इस वार्ड के अंदर पाइपलाइन जाम हो जा रही है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों से हम ये गुजारिश करते हैं कि हर महीने हर दो महीने में यहाँ पर डैनिश की लाइन में एक गाड़ी भेजी जाए जिसमें हमारे वार्ड की अच्छे से सर्विस होए। और इससे पहले जो लाइन साफ की है जफर भाई ने, इससे पहले मतलब 203 मरतबा गाड़ी आई है, और हम ये चाहते हैं कि इस लाइन को महानगर पालिका वालों ने हमेशा देखना चाहिए आकर। और हमारे वार्ड में बहुत सी चीज़ें जो हो रही है, और क्या है तकलीफ? और तकलीफ ये मतलब ये पूरी लाइन जाम है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी लाइन जाम हो जा रही है, हमेशा का ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। और पानी भी समझ लो 8 दिन में आ रहा है, जो वो 6 दिन में आना चाहिए, और पानी के अंदर भी मतलब कभी भी घाना आ जा रही, कभी बांस का पानी आ जा रहा है, कभी मुख्तलिफ किस्म की मतलब बीमारी होने का अच्छा है। जिस तरह अपन कोरोना से बचना चाह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते कि डैनिश लाइन कितनी ख़तरनाक तरीके से भर रही है। और ये एक ही लाइन नहीं है, तकरीबन गली के 4 से 5 लाइन है, आप इसको देख सकते हो। वार्ड क्रमांक 60 न्यू भाईजीपुरा गली नंबर 5 से बात कर रहा हूँ, शेख सोहेल शेख मोहम्मद। ये गली का हाल 15 साल से ऐसे है, अबूबकर चौथ ने रोड बनाए थे, बहुत अच्छा काम किए थे, जब से अब तक के रोड का काम नहीं हुआ है, ना ही कोई पाइपलाइन का काम कर रहा है। महानगर पालिका को रोज निवेदन दिया जा रहा है इस गली का काम करो, इस गली का काम करो। महानगर पालिका कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम ये काम करने के लिए पैसा कहाँ से लाए। दर रोज की प्रॉब्लम है, ऊपर से नीचे तक जब भी चंबर भरता है 2 दिन में चंबर भर जाता है, वो आते हैं सिर्फ गाड़ी करके और चले जाते हैं। नमाजियों के लिए बहुत परेशानी होती है, बुजुर्ग अहबाब के लिए बहुत परेशानी होती है, ये दर रोज 2-3 दिन में हर किसी का बच्चा बीमार होता है। हॉस्पिटल के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, सब में पहले ये बात बोलते हैं लोग। इसके लिए महानगर पालिका में 3 से 4 बार गए सब गली के लोग मिलकर, वो यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब तक हम लोग ऐसे ही जीना चाहिए। अभी काम करा है, रोज 500-600 रुपये मजदूर को देना पड़ता है, पूरी गली वालों से जमा करके देते हम लोग। ये पूरा पानी बारिश में तो हमारे घर डूब गए थे, देख लो आलम क्या है, पूरा घर में पानी घुस जाता है, चंबर का पानी है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक चंबर का पानी आता सर यहाँ पर। अब कार को किसके पास जाना, हम लोग इम्तियाज जलील साहब के पास गए, वो बोलते हैं कि करा देंगे, खासदार है शहर की, ऐसी प्रॉब्लम दर रोज है हमको। ये ड्रेन इसके बार बार भरते रहता, बस इतनी तकलीफ है, बच्चे पूरा घर से पैरा घर में आ रहे, इतनी बोई आ रही गंदी, और छोटे बच्चे बीमार हो जा रहे हमारे, ऐसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा बच्चों को लेके, पूरा ड्रेन इसका सब भर जा रहा। बस कारपोरेशन के अधिकारियों से बात करे आप लोगों ने? हाँ गए थे हम ऑफिस गए थे। क्या बोले वो लोग? सब हमारे गली के सब आते बोले आके, करते बोलते पर करते नहीं। क्या बोले थे कॉर्पोरेशन वालों ने? करते बोले, और फिर क्या क्या बोले, आके जाते फिर वैसे के वैसे हो जाता वो वापस। मैं फिरोज भाई वाजीपुर गली नंबर 5 से बात कर रहा हूँ। ये 5 साल से गली बनी हुई नहीं, और 3 साल से चंबर लाइन का कुछ काम नहीं होता है, हमेशा यहाँ वीडियो देखो आप, पूरी आंसे वहाँ बहना चालू रहती है, चंबर का पानी सबको तकलीफ होती है, और कुछ बस बाकी कुछ नहीं, हमारा गली का ही मसला है, चंबर लाइन छोटी है, बच्चे बीमार हो रहे रोज। हाँ वो तो हर गली में चंबर, घर का पानी है चंबर में जा रहा है, तकलीफ है हमारे को कि अगरबत्ती लगा के रहते, ये गली बन रही नहीं, कुछ नहीं, चंबर का पानी आ रहा, हम कैसा रह रहे हम लोग को मालूम है, इतनी तकलीफ रहे हम तो वो कुछ सुनते नहीं। कितने बार गए? कितने भी बार, अभी 2-4 बार जाके आए हम, अगरबत्ती लगा के रह रहे हम, इतनी तकलीफ हो रही है हमारे को,
चंबर कितने दिन में भर जाते? 3 दिन में 4 दिन में चंबर भर जाता मालूम है क्या? आते कार्य करते चल जाते निकल के, मगर लाइन दारेश नहीं ना, रोड की प्रॉब्लम रोड ये पूरा चंबर का पानी भरा यहाँ पे, ये देखो कितना खराब हुआ यहाँ पे पूरा अच्छा रहा ये वो अभी सड़ी मुआरी यहाँ पे कोई सुनने को तैयार। कारपोरेशन के अधिकारी देखते नहीं आप? नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे ना, नगर सेवा कचरे की गाड़ी वगैरह सब गाड़ी आती है, मगर ये सब चंबर का पानी यहाँ बंद ही नहीं हो रहा। देखो आप फोटो मार के तो आपकी डिमांड क्या है? अरे ये रोड बनना है, यहाँ चंबर लाइन चेंज होना है यहाँ की। अरे कम से कम 15 साल से रोड नहीं बना यहाँ, 15-20 साल से पूरे गल्ले में रोड बन गए, पूरे बाजीपुरे के रोड बने थे, खाली 5 नंबर ही बाकी है खाली। ये ड्रेनेज का पानी आ रहा पूरा उल्टिया, खाना जम रहा नहीं कुछ नहीं, न रोड बन रहा ना कुछ बन रहा है। चबूतरा तोड़ के फिर से बनाया हमने, रोड बन रहा करके चबूतरा हमारी खुर्ची थी वहाँ तो वो भी तोड़ दिए, बोले रोड बन रहा बोले, बाद में चबूतरा फिर से बनाया हमने। ये पूरा पानी है तो घर के अंदर। ये रोड कितने साल से नहीं बना? 15-20 साल हो गए इसको भी रोड ने बना। और चंबर की कैसी प्रॉब्लम? चंबर की तो हमेशा प्रॉब्लम है, वहाँ से पानी बहते रहता है रोज आता। कितना पानी आता वहाँ से? ये अभी आ रहा हमारे चंबर के विषय देखो। मैं देखा सुबह में सर्वे करके, हर गली में चंबर चौकअप है, हर जगह तकलीफ है, किसी को पानी की तकलीफ है, किसी को रोड की तकलीफ है। बोलिए बोलिए। दरअसल वार्ड नंबर 60 न्यू बाजीपुरा और 160 या ये वार्ड के अंदर जो पीछे के जो नगर सेवक हुए थे, इन लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया और वो आप उसकी हालत आप वार्ड के अंदर देख रहे हैं। जैसे कि आपने बोले 1 नंबर 3 नंबर गली, गली नंबर 9, गली नंबर 20, गली नंबर 25, गली नंबर 27, गली नंबर 24, 23, यहाँ डेनिस का तो इतना पूरा साम्राज्य पसर हुआ है। हम लोग जितना हमारे से हुआ, हम लोगों ने बहुत कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम करे और आगे भी करते कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम ये जो जितने ये लोगों ने आप बताया है, इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर हम इनका मसला सॉल्व करेंगे प्रशासक के ऊपर दबाव डाल के, क्योंकि जब से यहाँ प्रशासक बैठा है महानगर पालिका औरंगाबाद के अंदर, जब से प्रशासक बैठा है तो यहाँ का बुरा हाल कर दिया है पूरा वार्ड का, पूरा डेनिजमय वातावरण वार्ड के अंदर हो चुका है। और पानी का मसला तो ऐसा है कि पानी तो हमारे वार्ड को 10 दिन के बाद आता, और 10 दिन के बाद आता वो भी पौन घंटा आधा घंटा आता है, जो कि कुछ लोगों को तो पानी से नहीं मिलता है, हर पानी के दिन टेंशन रहता है वार्ड वालों को भाई पानी कैसा मिलेगा। और ये प्रशासक इसका पूरा 365 दिन का पैसा ले रहा हमसे और सिर्फ 36 दिन साल में पानी दे रहा है, यानी कि पूरा लूट मार चल रहा है। और जब से प्रशासक बैठा है हम तो परेशान है, प्रशासक से कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, धरना आंदोलन से लेके तो मोर्चे तक कर चुके हैं पानी के बारे में, डेनिस के बारे में, मगर यहाँ जो औरंगाबाद का महानगर पालिका का प्रशासक है एकदम ये क्या बोलते हैं कुंभकर्ण के नींद में सोया है। इनको जगाने का काम मजलिस के स्टाइल से हम बहुत जल्दी करेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन के अंदर हम ये सब मसला सॉल्व करके देंगे।